जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो क्लास टेंथ का जो है कि सामाजिक विज्ञान सभी पेपर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग देख सकते हो हिंदी का है और गणित का है, विज्ञान का है और इंग्लिश का और सामाजिक विज्ञान का। तो इस वीडियो में हम फुल सॉल्यूशन लेकर सामाजिक विज्ञान का क्लास टेंथ का जो कि फुल सॉल्यूशन आप लोग को पेपर सभी पेपर मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, उसका PDF लेना है तो उसका पासवर्ड भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, भले ही लंबा वीडियो हो जाए मैं मानता हूँ, लेकिन वीडियो एक पूरा असली पेपर है, पहचानना है आप लोग को। तो फाइनली पहचानने का एक ट्रिक होती है, यहाँ पर देखो आपका जो है यहाँ पर R10 लिखा हुआ है, 300 कोड रहेगा, यही आएगा आपको, यही पेपर आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। तो रुझाना नहीं का है, यहाँ पर 75 पूर्णांक रहेगा आपका, 8 कुल पृष्ठों की संख्या 8 रहेगी और 23 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 और समय रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। चलिए हम देखते हैं आप लोग का, यहाँ पर देख लीजिए निर्देश। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और पेपर लेने के लिए हमसे बात करना है टेलीग्राम में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक्स है 500 से कम लाइक्स नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का पहला हाई स्कूल परीक्षा जून 2023, 300 कोड आप लोग का, विषय सामाजिक विज्ञान का, सब्जेक्ट सोशल साइंस का है, आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दो माध्यम में आपका पेपर आने वाला है। आप लोग का प्यारे विद्यार्थी पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आप लोग का क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन से यहाँ पर है पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग को चार ऑप्शन है, केरल, मेघालय और आप लोग का है यहाँ पर सिक्किम, उड़ीसा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। दूसरा है हीराकुंड परियोजना के संबंधित है, चार ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर सल्तज बेसिन और महानदी बेसिन और गंगा बेसिन और नर्मदा बेसिन, तो आप लोग का जो है। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति थी, तो 1788 और 1789, 1791, 1790 आप लोग का अगला है, रॉकेट एक्ट पारित हुआ था, तो यहाँ पर 1919 में, 1920 में, अभी आंसर अभी बता रहे हैं इसका, क्वेश्चन देख लो 1921 में, 1922 में। अगला है कोलकाता के द्वारका नाथ टैगोर 1830-40 के दशक प्रसिद्ध थे, यहाँ पर लेखक के रूप में, कवि के रूप में, उद्यमी के रूप में और राजनेता के रूप में। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर लिखा है मानव रिपोर्ट्स एक हर साल जारी करता है, क्या करता है, तो विद्यार्थियों जारी करता है, उसका राइट आंसर हम आप लोग को दिखाएंगे। उसके लिए आप लोग को यहाँ पर चार ऑप्शन रहेंगे, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, पहला है UNDP, दूसरा है UNICEF और तीसरा है WHO और चौथा है WUNESCO। तो आप लोग का जो है राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग पहले का राइट आंसर चलिए दिखा देते हैं आप लोग को, हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। पहले का आप देख लीजिए केरल हो जाएगा, दूसरे में महानदी, तीसरे में हो जाएगा 1789, चौथे में हो जाएगा आप लोग का 1919 और नंबर और स नंबर हो जाएगा पाँचवें का उद्यमती के रूप में, और यू इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अ नंबर, ऑप्शन अ। चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन से यहाँ पूछा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पर यहाँ पर 6 अंक का है, प्रत्येक पर एक एक अंक निर्धारित है। यहाँ पर है पहला है अधर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो धर्म निरपेक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष। और अगला है आप लोग का महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे इसके पहले थे, क्या थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर, यहाँ पर देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला क्वेश्चन आपका है महात्मा आप लोग का है औसत आय को भी कहा जाता है, औसत आय को क्या कहा जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों औसत आय को जो है प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्या है, बेल्जियम को में सरकार है, बेल्जियम में किसका सरकार है, तो लोकतंत्र का सरकार है, किसका है, लोकतंत्र का सरकार है, यहाँ पर देख लो। अगला है आप लोग का क्या है, प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है, तो ये है जनता के प्रति उत्तरदायी हमेशा होता है प्रजातांत्रिक सरकार। अगला है औद्योगिक क्रांति के पहले यूरोप के खालिस्तान देश में शुरू हुई, क्या हुई थी, इंग्लैंड,
इंग्लैंड देश था उसमें शुरू हुआ था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर पूछा है आप लोग का पहला क्वेश्चन है भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। जो है भारत का सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जूट पौधों में जो है कि उत्पादित एक प्राकृतिक फाइबर है जिसे इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा भी कहा जाता है यानी कि जूट को ही कहा जाता है। तो आप जूट यहाँ पर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसमें नहीं लिखना आप जो कॉपी में लिखना है जो कि आपको मिलेगी लिखने के लिए। अगला है आपका है सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र से शामिल है। सूचनाओं को जो है आदान प्रदान किस तंत्र से शामिल है उसको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका जो है चलिए अगला देख लेते हैं आप लोग का अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है प्यारे विद्यार्थियों ये बताना है। तो ये जो है ब्रुसेल्स में स्थित है मुख्यालय। आप लोग इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए स्थित है ब्रुसेल्स तीसरा का। चौथा यहाँ पर है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह पूछा है जनमत संग्रह आप लोग का राइट आंसर यह है कि यह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदाता है जिससे किसी भी क्षेत्र के विशेष सभी मतदाताओं के मतदान के द्वारा किसी भी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है इसे कहते हैं। अगला है जमशेदपुर प्रसिद्ध है। जमशेदपुर प्रसिद्ध है पूछा है कहाँ प्रसिद्ध है। तो जमशेदपुर जो है प्यारे विद्यार्थियों भारत का इस्पात शहर है और राज्य का एक सबसे शहरी और आबादी वाला शहर है जहाँ जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है इसलिए जमशेद प्रसिद्ध है। आप लोग का अगला है वैध शासन यानी कि वैध शासन क्या है। तो वैध शासन जो है प्यारे विद्यार्थियों यह वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप में लोगों के द्वारा चुनी जाती है अथवा दूसरे के द्वारा चुनी जाती है। दूसरे के शब्दों में जनता के सरकार को वैध सरकार कहते हैं। इस प्रकार से चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का सत्य सत्य आप लोग का यहाँ पर एक एक अंक का सभी पर एक एक नंबर मिलेगा टोटल 6 अंक का है। यहाँ पर पहला देख लीजिए सत्य सत्य है पहला है विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास के लिए ऋण माने जाते हैं। हाँ ये सही बात है। अगला है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी ये भी सही है यानी कि आप लोग का पहला नंबर सत्य है। दूसरा आप लोग का प्यारे विद्यार्थियों क्या है मानी जाती है कि नहीं ये पूछा है तो ये भी माना जाता है। अगला है रेड पोस्ट पशु का रोग था जो 1890 में फैली थी ये सही है। अगला है शिक्षक वकील पुलिस डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन के प्रत्यक्ष रूप मतदाता योगदान देती है तो ये भी सही है। अगला है महिलाओं के लिए पंचायतों की एक तिहाई स्थान आरक्षित है ये भी सही है। अगला आप लोग का है लोकतंत्र के आधार पर गर्मिया और जो है आज़ादी है ये भी सही है। इस प्रकार से आप लोग का प्यारे विद्यार्थी चलिए जो है क्वेश्चंस आंसर की और नहीं अभी आप लोग का सही जोड़ी है चलिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर नीचे। पहला यहाँ पर 6 अंक का है टोटल प्रत्येक पर एक एक अंक निर्धारित है प्यारे विद्यार्थियों तो आप लोग जो है उसका सही जोड़ी का मिलान चलिए कर लेते हैं जो कि पहले का यहाँ पर हो जाएगा देख लीजिए पहले का हो जाएगा संयुक्त उद्योग दूसरे का हो जाएगा श्रीलंका की राजधानी पूछा है तो कोलंबो हो जाएगा और आप यहाँ पर पूछा है तुती फोरन पतन तो ये तमिलनाडु हो जाएगा और अगला है मछली पालन तो ये प्राथमिक क्षेत्र और बैंकों का बैंक इसका हो जाएगा RBI। अगला हो जाएगा आप लोग का सहयोग आंदोलन तो 1920 में जो है सहयोग। इस प्रकार से आप लोग का अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों संसाधन के कितने प्रकार होते हैं 2 अंक का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हम दिखाएंगे आप लोग का इसके अथवे में देख लेते हैं मृदा संसाधन क्या है यानी कि आपको 2 क्वेश्चन पूछा है 2 में किसी का भी लिख सकते हो 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा संसाधन सबसे जो है महत्वपूर्ण नवीन योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधा का विकास करती है और लाखों जीवों का पोषण करती है सही बात है। मृदा जो है पौधों को भी विकास करती है और कई जो है किसी
लाखों जीव करोड़ों जीव जो है कि उनका पोषक भी बनती है मृदा, यानी मृदा जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं। और आप लोग का अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी क्या है और इसका अथवा है संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए, तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा उस मृदा को कहते हैं, कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बाहर लाया तथा कहीं यंत्र जमा किया जाता हो उसे कहते हैं। आप लोग का अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर है, झूम खेती क्या है, क्या है झूम खेती क्या है, इसका अथवा है रबी और खरीफ फसलों में पांच अंतर लिखना है आप लोग को, सॉरी पांच नाम लिखना है, अंतर नहीं लिखना है, तो पांच नाम लिख लीजिएगा। तो चलिए जो है कि उसका राइट आंसर देख लेते हैं आप लोग को, देखते हैं झूम खेती क्या होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए झूम खेती, झूम खेती एक आदनी प्रकार की होती है कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों को हल से जुताई करके बीज को बोया जाता है, इसे कहते हैं। और आप लोग का अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको आप लोग देख लीजिए, 10वें का क्वेश्चन, सूचना का अधिकार क्या है और इसका अथवा है ISI क्या है, और 11वां क्वेश्चन है खनिज पदार्थ क्या है, महत्व तय 3 नंबर का है। अगला है वर्षा जल संग्रह हमें क्यों जरूरी है और नशे का प्रतिबंध क्यों होनी चाहिए, और अगला आप लोग का है भारतीय प्रजातंत्र सफलता और बाधक के ही 3 महत्व बताइए और आप 3 तत्वों को लिखिए। अगला है प्रत्याय क्या है इसकी गणना सूत्र सहित, और अगला है छोटा नागपुर पठार विश्व का आश्चर्य क्यों कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय जागृति विकास चारों को शिक्षा की भूमिका, और आप लोग का अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से लिख लीजिए, भारतीय संविधान का वर्णन कर्तव्य लिखिए, और आप लोग का यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक मानचित्र बना लेनी है और आप लोग को ये नर्मदा नदी चेन्नई मुंबई थार मरुस्थल अरब सागर को दर्शाना है, इसके अथवे में भी है यहाँ पर मौसमी को दर्शाना है, मौसमी दशाओं को जो है स्पष्ट करते हुए संकेत देना है, ओला मंद समीर और प्रबल समीर, सूर्य का प्रकाश कोहरा ये भी बताना है, और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, चैनल सब्सक्राइब। आप लोग को पासवर्ड बता देते हैं PDF का, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों जब आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे, टेलीग्राम में क्या हो जाओगे ज्वाइन, तो आप लोग को ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर PDF का, क्या PDF, जब इसको आप क्लिक करोगे तो आप लोग को पासवर्ड मांगे, क्या पासवर्ड, तो उसको आप इंटर करोगे, क्या है 32 36 और आप लोग को 89, इसको जब इंटर करोगे तो PDF आपका खुल जाएगा फुल, उसमें सॉल्यूशन और पेपर पूरा है, रुक जाना नहीं परीक्षा का, उसको आप अच्छे से तैयार कर पाओगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।